हेलो एवरीवन आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन टू यू द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट ऑप्शन इज नाइट्रिक एसिड बीस कार्बोनिक एसिड सीड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी सल्फ्यूरिक एसिड तो हम इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा तो so, बेसिकली जो हमारा सिंपल सोल्ट होता है ठीक है सोल्ट की फॉर्मेशन कब होती है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं जब हमारे एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं अगर हम एग्जाम्पल हमने एसिड की एग्जाम्पल ले ली कि सल्फ्यूरिक एसिड है प्लस बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो तब वो क्या बनाएगा हमारे पास सोल्ट बनाएगा दैट इज द एनी टू फोर जो कि हमारा क्या है सोडियम सोल्ट है प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा ओके क्या आएगा वाटर एज अ बायो प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास सोल्ट है और वाटर है और यहाँ पे क्या हो रहा है बेस और एसिड आपस में क्या कर रहे हैं रिएक्ट करते हैं करते हैं तो जो हमारा सोल्ट है जो यहाँ पे बनता है उसके क्या होते हैं तीन नेचर होते हैं मीन्स तीन टाइप तीन टाइप के सोल्ट बनते हैं एक तो न्यूट्रल सोल्ट बनते हैं एक एसिडिक सोल्ट बनते हैं या क्या बनते हैं बेसिक सोल्ट बनते हैं तो अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल सोल्ट कब बनते हैं न्यूट्रल सोल्ट तब बनते हैं जब स्ट्रोंग या वीक एसिड और स्ट्रोंग या वीक बेस रिएक्ट करता है मीन स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रिएक्ट करता है या वीक एसिड या वीक बेस रिएक्ट करता है तब हमारे पास क्या बनते हैं न्यूट्रल सोल्ट बनते हैं ठीक है एसिडिक सोल्ट तब बनते हैं जब हमारे पास स्ट्रोंग एसिड प्लस क्या होता है वीक बेस होता है क्या होता है स्ट्रोंग एसिड प्लस वीक बेस होता है और बेसिक सोल्ट कब बनता है जब हमारे पास स्ट्रोंग बेस होता है थीकर थीकर प्लस वीक क्या होता है एसिड होता है ओके okay, तो ये कंडीशंस होती है सोल्ट बनने की तो एसिडिक सोल्ट कब बनता है वी नो दैट एसिडिक सोल्ट एसिडिक सोल्ट इज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड देन वीक बेस जब हमारा वीक बेस वैन वीक बेस रिएक्ट विद रिएक्ट करता है वैन वीक बेस रिएक्ट विद स्ट्रोंग एसिड ओके okay, अगर हम एग्जाम्पल लिखें फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्या है स्ट्रोंग एसिड है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है कौन सा स्ट्रोंग एसिड है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड है ओके और हम कोई भी एक वीक बेस की एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है वीक बेस कौन सा एक हमारा क्या होता है सो so, अमोनिया होता है ठीक है तो जब वो रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है अमोनियम सल्फेट आता है हैविंग फॉर्मूला एन एच फोर प्लस हमारे पास क्या आता है वाटर आता है ओके तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ये जो हमारा सोल्ट बन रहा है वो क्या है हमारा एसिडिक सोल्ट है क्या है हमारा एक एसिडिक सोल्ट है क्यों क्योंकि यहाँ पे जो सोल्ट जो एसिड का नेचर है वो क्या है स्ट्रोंग एसिड है ठीक है और जो हमारा बेस है वो क्या है हमारा Weak base है, तो ओवरऑल जो नेचर होगा सोल्ट का वो क्या होगा दैट इज द एसिडिक सोल्ट होगा तो अब जो हमें एग्जाम्पल्स दी गई है हम उनकी बात करते हैं सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड दिया गया तो नाइट्रिक एसिड क्या है एक स्ट्रॉग एसिड है तो ये एसिडिक सोल्ट बनाएगा कार्बोनिक एसिड हम, हमारा क्या है वीक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, है में से जो हमारा क्या है एसिड है तो, जब वो के साथ करेगा, तो वो क्या देगा या तो न्यूट्रल सोल्ट देगा अगर वीक बेस हुआ और अगर स्ट्रोंग बेस हुआ तो क्या देगा बेसिक सोल्ट देगा तो वी कैन राइट दैट जो हमारा कार्बोनिक एसिड है कार्बोनिक एसिड बींग एसिड इन नेचर वीकर एसिड इन नेचर

जो हमारा कार्बोनिक एसिड है या तो वीक एसिड है वो वीक एसिड वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा न्यूट्रल सोल्ट बनाएगा या फिर वो वीक बींग वीक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ स्ट्रोंग बेस के साथ और क्या बनाएगा बेसिक सोल्ट बनाएगा सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक यू